शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर 754 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक जिले में 1,41,782 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। गुरुवार को बारिश के बाद शुक्रवार को दिन भर ठंडी हवाओं ने कब्जा जमाए रखा। वातावरण में नमी के कारण ठंडी पड़ने लगी है। कोरोना पॉजिटिव के लगातार बढ़ते आंकड़े से संकेत में आए मनपा प्रशासन ने जहां नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए, वहीं विशेष रूप से विभिन्न आयोजन में होने वाली भीड़ पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महापौर ने जताई मंशा, छत्रपति के आदर्श राज्य व्यवस्था पर मनपा स्कूलों में शिक्षा। बिजली को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक रस्साकसी का दौर जारी है। नेताओं की इस सरकारी रस्साकसी में ग्राहक ग्रिल सैंडविच बनकर रह गए हैं। महामेट्रो ने नागपुर एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच फीडर सेवा की शुरुआत कर दी है। महामेट्रो नागपुर महानगर पालिका व मिहान इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से सेवा प्रदान की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की दर वृद्धि भाजपा प्रणित केंद्र सरकार की भ्रष्ट बुद्धि का नतीजा होने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के विभागीय अध्यक्ष विशाल खांडेकर ने लगाया। उनके नेतृत्व में उत्तर नागपुर में दर वृद्धि के खिलाफ केंद्र सरकार का निषेध करते हुए बाइक और स्कूटर की अंत यात्रा निकाली गयी। नागपुर सर्कल के MSEDCL के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़गे ने कहा कि अब उपभोक्ता शनिवार और रविवार को भी अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर सकती है। मनपा की ओर से शुरू किए गए अतिक्रमण उन्मूलन अभियान को लगभग 20 दिनों तक बदस्तूर अंजाम तो दिया गया, किंतु आर्थिक बदहाली का आलम यह रहा कि गत 2 दिनों से ईंधन के लिए पेट्रोल पंप संचालक को भुगतान नहीं होने से अतिक्रमण अभियान अटक गया है। शुक्रवार को सदर फ्लायर के नीचे वाइप पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। चालन कार्रवाई में पकड़े गए पुराने बकायेदार।